असलमकम डी लर्नर्स पोटेंशियल ऑन टिप एंड ऑन टिप इन एक्शन वेलकम इन दिस वीडियो बहुत अहम सीरीज़ है क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन पाकिस्तान हम बात कर चुके हैं ट्रेडमार्क के बारे में हम बात कर चुके हैं कॉपी राइट के बारे में हम बात कर चुके हैं पेटेंट के बारे में और ये वही जो वीडियो है ये इसमें हम बात करेंगे डिज़ाइन के हवाले से अच्छा ये सारी डिस्कशन अहम इस हवाले से है बिकॉज अगर आप अपनी डेली वेयर को देखिए तो आप जो लिबास पहनते हैं आप जो जूते पहनते हैं आप जो घड़ी पहनते हैं आप जो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं आप जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा जो भी आपके जहन में चीज़ आ रही है जो आपके इस्तेमाल में है वो डिज़ाइन की जाती है एक ऑन्टरपनोरियल माइंड उसको डिज़ाइन करता है और उसके बाद वो सहूलत आप तक पहुँचती है इसीलिए डिज़ाइन को भी लीगली प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिज़ाइन ही बेसिकली आपका कम्पेरेटिव एडवांटेज होता है आपका ही डिज़ाइन किया हुआ प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आ सकता है तो आप कोशिश ये करेंगे कि वो कम्पेरेटिव एडवांटेज आपके पास ही रहे आपके कंपेटर्स के पास ना जाए उसके लिए एक ही तरीका है लीगल प्रोटेक्शन सो डिज़ाइन क्या है कौन से गवर्निंग लॉज हैं पाकिस्तान में डिज़ाइन के हवाले से कि इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है और अगर इस पर अपोजिशन लग जाए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यह है कि सेंसिटाइज करना है आपको डिज़ाइन और उसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एज़ अ को होस्ट डॉक्टर रिजवान सलीम और बुलाया है हमने सीनियर लॉयर असद अब्बास भट्ट साहब को थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग आज असद सबसे अहम सवाल डिज़ाइन उसकी रजिस्ट्रेशन कितनी ज़रूरी है और गवर्निंग लॉ कौन सा है जी थैंक यू वेरी मच नरिन आपने मदू किया देखिए जैसे हमने तस्करा किया है दूसरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की मैनिफेस्टेशन का वो ट्रेडमार्क हो वो पेटेंट हो वो डिज़ाइन हो उनका कहीं ना कहीं आपको इस्तादा कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलता है अवेयरनेस अब लोगों में बढ़ रही है पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी चंद लोग इसकी इफादियत को समझते थे अब क्योंकि कंटेंट उस तरह से आ रहा है तो उसी तरह से डिज़ाइन की भी इम्पोर्टेंस को हम जो है वो मानना पड़ती है कि इसके फ़वाद हैं डिज़ाइन को समझ लें क्योंकि कंफ्यूज लोग हो जाते हैं कि एक मार्क एक रजिस्टर करवा लिया तो उसके बाद उसके अंदर हम दूसरी प्रोडक्ट जितनी मर्जी निकालते रहें ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो फिर उस डिज़ाइन को रजिस्टर करवाने की रिक्वायरमेंट या ज़रूरत क्यों पेश आती है देखिए अगर मिसाल लें आप टोटा एक कंपनी है उसका ट्रेड मार्क उसका मार्का रजिस्टर्ड है लेकिन वो कुछ अरसे बाद या हर साल अपनी प्रोडक्ट निकालते हैं उनके डिज़ाइन निकालते हैं गाड़ियों के मुख्तलिफ़ डिज़ाइन होते, होते हैं तो आप अगर गाड़ी एक टोटा की गाड़ी की मैं डिज़ाइन चोरी करता हूँ और मैं जो है वो उसी डिज़ाइन की गाड़ी मार्केट में ले आता हूँ तो मुझे आ, उस डिज़ाइन ट्रेडमार्क तो मैंने उनका इस्तेमाल नहीं किया मैं अपने ट्रेडमार्क के अंदर ही कर रहा हूँ लेट सपोज मैंने बी ट्रेडमार्क रख लिया उसका लेकिन डिज़ाइन तो मैंने उनका ही चोरी किया कहीं ना कहीं उनकी मेहनत से मैंने फ़ायदा उठाया उनकी एक कॉपी बनाई और मार्केट में सेल करना शुरू कर दी तो लॉ ने ज़रूरी समझा कि ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन के बाद भी उसकी आगे फर्दर रिक्वायरमेंट है कि आप उसके डिज़ाइन को भी रजिस्टर करवाएं अगर आप कोई जूता बनाती हैं आप कपड़ा बनाती हैं आप कोई किस तरह की डिज़ाइन करते हैं जो आप मेहनत के बाद आपने किया है तो मैं उस चीज़ को चुरा के तो अपने नाम पर इस्तेमाल उसको बेचना शुरू कर देता हूँ तो वो एक वायलेशन होगी और आपके राइट के ऊपर एक डाका होगा एक चोरी होगी तो इसलिए लॉ ने ज़रूरी समझा और लॉ ने फिर उसका 2000 2000 के अंदर एक ऑर्डिनेंस निकाला जिसे डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 2000 का नाम दिया गया उसके तहत आप इसको डिज़ाइन को रजिस्टर करवा सकते हैं आप एज ए ऑन्टरप्रन्योर या कंपनी या फर्म जो भी आपकी एंटिटी है अगर आपने कोई नया डिज़ाइन बनाया है अपनी प्रोडक्ट के मुतल तो आप उसको रजिस्टर करवा सकते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस भी उसी तरह से है जैसे आपके ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन की इंपॉटेंस है यानी वही वही, वही बात आ गई कि ट्रेड मार्क है उसके बाद अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो आप कॉपी ज़रूर अपनी करवाइए रजिस्टर और अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है तो पेटेंट ज़रूर अपने लीगली प्रोटेक्ट करवा लीजिए ठीक है ना और इसी तरह अगर आपने अपनी प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन की है तो उसके डिज़ाइन को लीगली प्रोटेक्ट करवा लीजिए अच्छा रजिस्ट्रेशन और उसके ऑपोजिशन <coughs> के हवाले से रिजवान के कुछ सवाल हैं बहुत शुक्रिया नारीन असद साहब ये बताइए कि अब जो डिज़ाइन है मेरे जहन में ये आता है कि चूँकि मतलब अब ये बिज़नेस की नेचर पे डिपेंड करता है कि कितने फ्रीक्वेंटली आप डिज़ाइन प्रोड्यूस करेंगे या उसको रजिस्टर्ड करवाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी अब मिसाल के तौर पर अगर आप गाड़ी बना रहे हैं तो शायद एक जो डिज़ाइन आप रजिस्टर्ड करें वो कुछ साल के लिए वो मॉडल का डिज़ाइन हो लेकिन अगर आप जूते बना रहे हैं या आप कपड़े बना रहे हैं तो उसके अंदर शायद डिज़ाइन की लाइफ कम हो तो एक तो ये थोड़ी रहनुमाई फरमाएँ कि जो डिज़ाइन के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो क्या वैसा ही है जैसे दूसरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनिफेस्टेशन का है और जो इसमें अहम सवाल ये है कि क्या डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी उतना ही लंबा है जितना कि दूसरे प्रोसेस हैं देखिए बहुत ज़रूरी है कि हम दो क्लासेस के अंदर इसको तकसीम कर लें जो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पेरिशेबल हैं जिनके अंदर उनकी मुद्दत इतनी ज़्यादा नहीं होती जैसे आप कपड़े की बात करें जैसे आप जूते की बात करें या आप कोई इस तरह की चीज़ की बात करें जो सीज़नल है कि उसकी मुद्दत इतनी ज़्यादा नहीं है तो लोग उसके अंदर कम इंक्लाइंड होते हैं कि वो उसको रजिस्टर करवाएं जैसे कपड़ा है वो एक सीज़न में आएगा अगले सीज़न में उन्हें नया डिज़ाइन लाने हैं बल्कि एक सीज़न के अंदर भी हम देखते हैं कि एक जो है वो डिज़ाइन किया और उसके बाद फिर दूसरी डिज़ाइन की तरफ आ गई लेकिन अगर आप इसके बरक्स जो है गाड़ियों की बात करें तो उनकी मुद्दत ज़्यादा होती है गाड़ियाँ दस दस साल चलती हैं फिर वो डिज़ाइन दो दो तीन तीन साल चलते हैं तो पहली जो क्लास है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन का रुझान हमें कम देखने को मिलता है जबकि दूसरी जो है उसके अंदर लॉन्च करने से पहले ही उस डिज़ाइन को रजिस्टर करवा लिया जाता है यानी गाड़ी जो है वो ट्योटा वाले अगर 2025 में करेंगे तो आप देखते हैं कि उनके डिज़ाइन वो पहले ही मार्केट करना शुरू कर देते हैं जी कि 2025 के अंदर ये आएगी तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि वो चोरी हो जाए गाड़ी तो भी मार्केट में आई नहीं लेकिन हमने मार्केटिंग करने के लिए लोगों को बताना पड़ना कर देते तो उसके अंदर हमें एक रिस्ट्रिक्शन नज़र आती है कि पाँच साल के अंदर अंदर आपने जो डिज़ाइन रजिस्टर करवाया है उसको आपने एग्जीक्यूट करना है मिसाल के तौर पर मैं अगर रजिस्टर करवा के रख लेता हूँ तो पाँच साल के अंदर मैं उसको उसकी मैनिफेस्टेशन नहीं ला रहा तो फिर वो मेरे हाथ से निकल जाएगा लेकिन वंस आई आई गोट द रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पे आ जाती है तो फिर उसकी जो मुद्दत है वो 25 साल तक है 25 साल तक मैं वो उसी डिज़ाइन को जो है वो अपने पास रख सकता हूँ और उसकी कोई वायलेशन अगर कोई दूसरा करेगा तो मैं उसको रोक सकता हूँ प्रोसीजर की जहाँ तक आपने बात की है तो वो मोर और लेस सेम है अगर पाकिस्तान की आप बात करें क्योंकि आपका इदारा सेम है और ये लॉज जैसे आप भी तस्करा कर रहे थे कि ये एक ही कन्वेंशन से निकल रहे हैं तो उस वक्त जब जो ब्रेन जो, जो बैठे तो उन्होंने जो चीज़ें डिसाइड की अगरचे उसके वक्त के साथ साथ उसके अंदर वो तरामीम भी आती रही अमेंडमेंट्स भी आती रही लेकिन मोर और लेस उनके प्रोसीजर सेम्स हैं अगर आप बात करें कि जी मैं डिज़ाइन मैंने कोई रजिस्टर करवाने जा रहा हूँ तो उसका ट्रेडमार्क की तरह उसका भी आपका गैजेट के अंदर आना जरूरी है उसके अंदर ऑब्जेक्शन आएं, आएंगी पहले कंपनी आपको देगी कि आप ऑर्गेनाइजेशन देगी कि जनाब आपने जो दी है इसके अंदर डॉक्यूमेंट पूरे हैं नहीं हैं फिर धो सकता है कि आपके ओपोनेंट या आपके कंपेटिटर जो हैं वो आके बात करें कि जनाब ये जो नई चीज़ की बात करें हैं तो हमने दस साल पहले रजिस्टर करवाई हुई थी या इस तरह से ये मुख्तलिफ नहीं है तो वो डिपेंड करेगा केस टू केस के उसके अंदर क्या नोयत है लेकिन प्रोसीजर मोड ऐसा हमें सेम ही नहीं दिखाई देता बिल्कुल ठीक है आपने जो जो चीज़ हमें समझाई है वो ये है कि ये अब इसका फ़ैसला बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन करेगी कि एक जो डिज़ाइन है उसकी लाइफ और उसकी यूटिलिटी कितनी है या उसका रेवेन्यू पोटेंशल कितना है वो जिनकी लाइफ कम है रेवेन्यू पोटेंशियल जो वन शॉट या वन वर्जन तक महदूद हैं तो लगता है कि उसके लिए लोग रजिस्ट्रेशन में उस तरह से नहीं जाएंगे लेकिन जो देरपा चीज़ें हैं जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं उनमें लोग मतलब उनका ट्रेंड होगा कि वो उसको रजिस्टर्ड करवाएं मेरे जहन में यहाँ एक मिसाल आ रही है जिस तरह हमारे यहाँ चप्पल में पेशावरी चप्पल के नाम से एक जनैरी का वो एक ब्रांड बन गया है आप जब पेशावरी का नाम लेते हैं तो इससे एक खुले जूते खुले बंद जूते का एक हमारे यहाँ मौसम जो कि गर्म होता है पाकिस्तान में काफ़ी लंबा और फिर हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ की रवायत के मुताबिक एक जूता है तो हमने देखा कि एक बहुत मरूफ ब्रांड है उसने सबसे पहले पेशावरी को डिज़ाइन किया और रजिस्टर्ड करवा लिया और वो अब एकदम वो उनका वही क्लासिक डिज़ाइन है लेकिन बहुत ज़्यादा बिकता है उसको बहुत से दूसरे लोगों ने कॉपी किया है थोड़े डिफरेंस के साथ लेकिन दूसरों की वो सेल नहीं है जितनी इनकी सेल है तो शायद फिर इस पे ये भी तो हो सकता है कि बाज़ एक जूते का डिज़ाइन इतना पॉपुलर हो जाता है कि आपको नहीं लगता कि अगले 20-25 साल तक आप उससे पैसे कमा सकते हैं और बाजत एक गाड़ी का डिज़ाइन भी उतना मकबूल नहीं होता नहीं। वो मॉडल उतना कामयाब नहीं होता तो फिर इससे हमें वो आपकी शुरू की नसीहत लेनी चाहिए कि ये एक तरह से आप शायद एस्टिमेट नहीं कर पाते लिहाजा आप कोशिश करें कि हर डिज़ाइन को रजिस्टर्ड करवाएं अगर इकोनॉमिकली के लिए वो मतलब ऑर्ड नहीं है प्रोपोजिशन यही देखिए बा, बात बात ठीक है आपके सवाल में उसके अंदर जवाब आ गया लेकिन मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हुए देखिए आपको नहीं नहीं पता चलता कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट जो है वो कितनी पॉपुलर हो जाएगी तो इसलिए आप उसके बुनियादी जो लीगल रिक्वायरमेंट हैं पहले दिन को पूरी करेंगे तो आपको फ़ायदा देगा अगर आप बाद में जब फेमस हो जाती है चीज़ें तो फिर लोग भी सेल करना शुरू करते हैं करने वाले भी जी जी, उन, देखिए उनका भी राइट आ जाता है ना अगर आप मिसाल के तौर पे एक स्वीट्स की बात करें तो हमारे यहाँ पे बहुत मशहूर स्वीट थी रफीक स्वीट हाउस तो वो उन्होंने प्रोडक्ट अगर अपनी टाइमली नहीं रजिस्टर करवाई या किसी दूसरे प्रोडक्ट का नाम नहीं भी लेते तो आप देखते हैं कि लोग उसके बरक्स बेचना शुरू कर देते हैं तो कोर्ट के पास ये बात आती है जी कि अगर ये 20 साल से बेच रहे हैं तो 18 साल से तो ये भी बेच रहे हैं अब कहीं ना कहीं उसका भी राइट आ गया तो फिर कोर्ट ये देखती है कि आप उसको थोड़ी सी अमेंड कर लें कि आपका भी मामला चलता रहे और आपका भी चलता रहे अवेंचुअली फिर जिसने बीस साल पहले शुरू किया है उसका राइट जो है वो ज़ाहिर है प्रायर जो है वो प्रायरिटी में होगा लेकिन दूसरे बंदे का भी राइट तो क्रिव हो गया लेकिन अगर आपने पहले दिन ही रजिस्टर करवाई होती और उसका वो स्टे की ना बढ़ पाता जिसके अंदर उसका कोई राइट निकल सकता या क्रू हो पाता तो फिर आपका केस ज़्यादा मजबूत होता तो लॉ के अंदर जितना टाइमली आप एक्ट करेंगे जितना टाइमली आप रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन सीख करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा अच्छा ये बात अगेन रेफर हो रही है बिल्कुल हमारी जो तो फर्स्ट डिस्कशन हुई थी तो उसमें आपने कहा था कि लीगल प्रोटेक्शन बुनियाद होती है अगर आप जितनी जल्दी अपने आप को लीगली प्रोटेक्ट कर लें Uh, उतनी ही ज़्यादा आप उसके फाइनेंशियल फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी ऑब्वियसली uh, एक बिजनेस के साथ एसोसिएटेड होते हैं जितना आप कंपेरेटिव एडवांटेज अपना मेंटेन कर पाएँ असल अपोजिशन आ गई है किसी भी तरफ से आपने अपने डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्लाई की हुई थी और आपको uh, जिस एंटिटी को आपने अप्लाई किया उसको या किसी और ने इसको अपोज कर दिया है तो फिर उस सिलसिले में क्या प्रोसीजर होता है देखिए जैसे मैंने ट्रेडमार्क का कहा था उसके अंदर भी यही कि आप पहले अपोजिशन का नोटिस आते हैं फिर आप उसके अंदर काउंटर स्टेटमेंट देते हैं फिर उसके अंदर जो है वो एक री आता है यानी कि चीज़ें प्रिसाइज हो रही हैं पहले है। में आपने जनरली बात की कि ये ट्रेड हमसे मिलता जुलता है दूसरे में आपने बताया कि इस तरह से मिलता जुलता है फिर एविडेंस की बात आई उसके अंदर आपने बताया कि जनाब ये फलां सन के अंदर हमने फ़लां दुनिया में कि इस मुल्क के अंदर ये रजिस्टर करवाया था और ये ये चीज़ें हमने बेची हैं उसकी इन्वाइसिस उसके अंदर विटनेसिस की स्टेटमेंट ई मेल जितने भी आपके पास जो है वो केस टू केस वेरी करेगा तो वो फिर आप उसके अंदर अपने केस को बताते हैं कि जनाब ये चीज़ें हम इतनी देर से कर रहे हैं तो उसके बाद फिर ऑफ कोर्स उसके अंदर रजिस्ट्रार अपना डिसीजन देते हैं ठीक हो गया अच्छा इसमें एक और जो सबसे अहम सवाल है पाकिस्तान में आप इसका रुझान कितना देख रहे हैं एज़ कंपेयर टू अगर अगर हम इसको पाँच साल पीछे या दस साल पीछे लेके चले जाएँ और अब अगर आपके पास जितना ऑब्वियसली आपके पास लोग अप्रोच कर रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज अप्रोच कर रही हैं कितना रुझान देख रहे हैं ज़्यादा है अब

क्योंकि स्कोप ज़्यादा होता है आपके डिपार्टमेंट ज़्यादा होते हैं तो उसके अंदर आपको अवेयरनेस होने के बावजूद आप शायद टाइम नहीं निकाल पाते लेकिन मैं फिर भी यही रिकमेंड करूंगा द फर्स्ट थिंग यू आर सपोज टू डू कि प्रोटेक्ट योर आइडियाज़ प्रोटेक्ट योर डिज़ाइन जब तक आप नहीं करेंगे सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है क्योंकि आप जैसे ही आपकी प्रोडक्ट प्रवान चढ़ती है तो आपको पता चलता है कि वो दूसरे भी किसी बंदे ने बनानी शुरू कर दी अच्छा असद इसी डिस्कशन का आखिरी एक अहम सवाल बिकॉज़ uh, uh, हम डिज़ाइन के हवाले से बात कर रहे हैं और आप लॉयर हैं ट्रेंड क्या देख रहे हैं रुझान क्या देख रहे हैं जो तो आज के हमारे ऑन्टरप्रनोर्स हैं जो अब अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं वो कितने सीरियस uh, हैं और कितने इंक्लाइंड हैं टूवर्ड्स यू नो रजिस्टरिंग देयर डिज़ाइन देखिए बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है हिस्टोरिकली स्पीकिंग इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन लोग नहीं सीख करते थे और ऑफ कोर्स उसके अंदर जो ब्रांड बहुत ज़्यादा एक्सेल कर जाते थे उनको बाद में ये इस चीज़ का एहसास भी होता था कि इसे टाइमली रजिस्टर करवाना चाहिए क्योंकि लोग जहाँ पे प्रोडक्ट आगे जा रही होती हैं आपका ब्रांड आगे जा रहा होता है तो लोग भी देख रहे होते हैं कि इसको जब आप चुरा लेंगे तो आपको कई गुना फ़ायदा हो सकता है आप छोटे शहरों में जाएंगे तो आपको कई ब्रांड ब्रांड ब्रांडी उसकी कॉपीज उसके रेप्लिका, मिल उसके रेप्लिका आपको मिलेंगी और वहाँ तक भी उसकी भी सेल बड़ी ज़्यादा हो रही होती है क्योंकि जाहिर है वहाँ पर भी लोग आबाद हैं उसकी सेल है ये प्रोडक्ट जो है उसकी मार्केट है तो अब रुझान जो है बहुत ज़्यादा हो गया आप देखते हैं कि ब्रांड आपको पाकिस्तान के हर बड़े शहर में बल्कि इंटरनेशनली जो है वो आपको उस तरह से जो है वो अवेलेबल होते हैं बड़े शहरों में तो ये एक खुशाइंद बात है लेकिन फिर वही बात आती है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो आप टाइमली करवाएं जब इंतजार मत करें कि आपका प्रोडक्ट जो है वो चल जाएगा हो तो हो तब तो हम तब करेंगे। आप करेंगे अगर आप खुद नहीं आप जो है लीगल काउंसिल की सर्विसेज ले सकते हैं तो आप बुनियादी चीजों को लेके खुद एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कम से कम आपका एप्लीकेशन का पेंडिंग होना इस चीज का एविडेंस होगा कि आपने एक कोशिश किया और आपका एक आपका एक इससे देखें जब आप जो क्या उसे कहते हैं अपना बेबी जब आपका होता है तो आप उसकी फिर प्रोटेक्ट आप उसका ध्यान भी रखते हैं आप उसकी क्वालिटी के ऊपर भी जो है वो नज़र रखते हैं उससे फिर कंपटीशन भी बढ़ता है और एवेंचुअली लोगों को भी फ़ायदा होता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट आपको जो है वो ख़रीद कर सकते हैं या सर्विस खरीद कर सकते हैं ठीक थैंक यू वेरी मच असद फॉर जॉइनिंग अस लेडीज़ एंड जेंटलमैन आप जैसे कि जानते हैं बहुत अहम डिबेट्स हम आपके आप लिए लेकर आ रहे हैं जिस तरह पहले रेहान अजीज साहब के साथ हमने डिस्कस किया था बिज़नेस क्या है बिज़नेस की लीगल प्रोटेक्शन किस तरह से हो सकती है बिजनेस किस कितनी तरह का होता है और हर तरह के बिज़नेस के लिए लीगल प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों है बीइंग एन और आपके क्या राइट्स हैं बीइंग एन एंटरप्राइज एंटरप्राइज के क्या राइट्स हैं राइट है? फिर उसके बाद आ, हमने आ, असद अब्बास भट्ट साहब को अपने स्टूडियो में जॉइन किया इंतहाई अहम डिबेट के लिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रेड पेटेंट कापी डिज़ाइन इसके लीगल प्रोसीजर्स ये एक इंतहाई अहम डिबेट है एक ऑन्टरप्रोर के लिए जो अपना बिजनेस आज के इस दौर में शुरू कर रहा है इस तरह की और बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आएंगे टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग आज